अगर वो संतुष्ट नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा लें, अगर डीएनए में बच्चा निकलता है तो हम दे देंगे, नहीं निकलता तो उनके ऊपर मानहानि का दावा दायर करेंगे 50 लाख का। जौन निशान हो जौन निशान न हो डीएनए चेक करावे, चेक में बच्चा निकल ले लें, और रोज रोज हमार के टार्चर करिए, उनके नाम मुकदमा दायर कर दे, ना डीएनए टेस्ट कराई है। क्या नाम है जी? मेरा नाम विनोद यादव है और मैं हीरागंज बाजार का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ जी सर। गुगार ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, प्रेजेंट में आप ग्राम प्रधान हैं जी। कितनी दूरी पे आपका मकान पड़ता है? जी मकान तो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी दुकान इनके जस्ट सामने है। अच्छा अच्छा, आपकी और 40 वर्षों से यहाँ पे दुकान है हमारी। तो आप लोगों को तो शायद सर आपको पता होगा कि बच्चा इनके पास कितने दिन है। मतलब घर पे ना जाऊँ लेकिन मैं हीरागंज बाजार प्रतिदिन रहता हूँ, प्रतिदिन और इनके सामने ही रहता हूँ। और ये बच्चा करीब फरवरी माह में 2022 में लाए थे। अब बच्चा लाते हैं तो उसका एक छट्टी होता है, वो भी किए, उसमें हमको भी आमंत्रित किए थे। व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ और इनके सामने का हो तो मुझको भी बुलाया थे, मैंने भी निमंत्रण उसमें सहभागिता की, मैंने भी भोजन किया था। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो उनका सत्यम था वो ये सत्यम नहीं है। देखिए जो उनके बताने के अनुसार जब उनका बच्चा गायब हुआ तो 11 माह का था, लेकिन मैं अपनी जानकारी में बता रहा हूँ कि इनका बच्चा जब आया तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर का था। 1 हफ्ते के अंदर का था, केवल 1 हफ्ते के अंदर, एकदम छोटा बच्चा था, 1 हफ्ते के अंदर का था। अच्छा, ये हम जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि ये खुलासा हुआ कैसे? तो बच्चा गायब हुआ था, उनके कोई रिश्तेदार यहाँ परियावा है, महेशगंज थाना क्षेत्र में ही है, वो आए इनकी दुकान पे कोई सामान लेने, या उनको कोई बताया, वो देखे तो इनको बताया कि आपका बच्चा यहाँ पे है, लेकिन आए और इनके पास सुनिए जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जो बच्चे का जच्चा बच्चा कार्ड बनता वो है इनके पास। ये शुरू में दवा कराए हो बच्चे की, मतलब 1 सप्ताह से लेके बच्चा 14 माह का है अब तक की फ़ोटो जिनके पास हैं, और मोबाइल में भाई डेट है वो कि 9 फरवरी 2022 को फ़ोटो खींची गई है जी। तो उनका हाँ बाई डेट फ़ोटो है। थाना महेशगंज से SSI महोदय विवेक मिश्रा जी आए, दीपक यादव जी हल्का इंचार्ज हैं वो आए, वो यहाँ पे जांच किए, पूर्णतः संतुष्ट हुए। आज विवेक तिवारी जी आए थे मुगराबाद शाहपुर से, एसओ साहब हैं, वो भी संतुष्ट होके गए हैं। संतुष्ट होके गए हैं और हीरागंज व्यापार मंडल की तरफ से मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिनका बच्चा जो बता रहे हैं कि इनका बच्चा है, डीएनए टेस्ट होगा, बच्चा यदि उनका नहीं निकलता है तो मैं अध्यक्ष के नाते व्यापार मंडल हीरागंज का अध्यक्ष हूँ, मैं उनके ऊपर 50 लाख का मुकदमा मानहानि का हरिचंद केसरवानी की ओर से व्यापार मंडल की तरफ से दाखिल करवाऊँगा। ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं, वो दुनिया की कोई भी जांच करा लें, हर जांच को तैयार हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित किया गया तो फिर पूरा व्यापार मंडल इसके प्रशासन के भी खिलाफ है। जो हो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो, ये पूरा सहयोग करेंगे, हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। मानसिक रूप से प्रताड़ित, हाँ प्रतिदिन आगे इनको, मतलब जब ये आदेश करेंगे जहाँ कहेंगे वहाँ ये पति पत्नी हाजिर होंगे बच्चे के साथ, लेकिन इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। हाँ, और मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रतिदिन आके इनको परेशान ना किया जाए, और अगर कोई मीडिया बंधु इनका साक्षात्कार करने इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो संबंधित थाने से परमिशन करा के आए ही आए।